इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ बदसलूकी का आरोप लगा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर आम आदमी पार्टी के एक विधायक पर दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ बदसलूकी का आरोप लगा। अब ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। घटना हालांकि कल शाम हुई थी, लेकिन अब जो अफसर है दिल्ली के वो हड़ताल पर चले गए, साथ ही राष्ट्रपति से भी मिलेगी आईएएस एसोसिएशन। अफसरों ने मंत्री इमरान हुसैन आशीष खेतान पर मारपीट का आरोप लगाया। अब विधायक का भी नाम सामने आ गया है जिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया, और विधायक का नाम है देवली सीट के प्रकाश जरवाल। फिलहाल इस पूरे मामले की बड़ी बातें जरा देख लीजिए। केजरीवाल के घर मुख्य सचिव से मारपीट का आरोप, आप विधायक प्रकाश जरवाल पर यह आरोप लगा। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मुख्य सचिव ने जाति सूचक अपशब्द कहे विधायक को। मुख्य सचिव के खिलाफ विधायक ने शिकायत भी की है। तो केजरीवाल के सामने मुख्य सचिव से मारपीट का यह मामला। मुख्य सचिव से मारपीट से दिल्ली के अफसर नाराज हो गए हैं। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएशन हड़ताल पर चला गया है। इतना ही नहीं, जो आईएएस एसोसिएशन है उसके अफसर मिलेंगे राष्ट्रपति से, और साथ ही गृहमंत्री से भी मुलाकात का वक्त मांगा गया है आईएएस एसोसिएशन की तरफ से इसी पूरे मामले पर। अफसर कह रहे हैं कि जब तक आरोपी विधायक इस मामले में मुख्य सचिव से माफी नहीं मांगेंगे तब तक वो काम नहीं करेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कह रहा है कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल मुख्य सचिव की तरफ से किया गया। ये हम आपको दोनों के पक्ष दिखा रहे हैं, एक तरफ मुख्य सचिव का क्या पक्ष सामने आ रहा है और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का क्या पक्ष है वो देख रहे हैं आप। विधायक ने मारपीट की, मुख्य सचिव की तरफ से कहा जा रहा है मुख्य सचिव ने जाति सूचक अपशब्द कहे, ये आपका पक्ष है। दूसरी बात कही जा रही है अफसरों की तरफ से कि डर के माहौल में वो काम नहीं कर सकते। मुख्य सचिव के पीछे बीजेपी, आम आदमी पार्टी कह रही है पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है, दिल्ली में संवैधानिक संकट है, ये अफसर कह रहे हैं, और आप कह रही है कि मंत्री इमरान आशीष खेतान पर जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत है। मुख्य सचिव के खिलाफ केस हो, आम आदमी पार्टी का पक्ष ये है, केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे, ये अफसरों की तरफ से कहा जा रहा है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।